चला जी, ये मेरा कजन आ गया, बहावलपुर गया था किन्नू के बाग में। वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 महीने लगा के आया हूँ और वहाँ से सिर्फ अपनी जान बचा। बाग मालिक था ना, वो बहुत ही गंदा आदमी, बिस्तर भी छीन लिए। अच्छा, सब कुछ छीन लिया, 1 रुपया भी भूल जाता है। आपका जहन नहीं है, अक्ल नहीं है आपका, जल्दी भूल जाती हो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा अक्ल है। माशाल्लाह जी, कशा बेटा, ये क्या चाहिए बताओ, ये क्या है? क्या? अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह चमकते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर वाले भी सारे ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद नसीब फरमाए। तो ये नेक दुआ के साथ व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने पहले मेरी तमाम बहन भाई से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे से कमेंट भी जरूर किया करें। अब चलते हैं व्लॉग की तरफ, आप सब बहन भाई से अच्छा सा व्लॉग शेयर। माशाल्लाह जी, कशा बेटा, ये क्या चाहिए दो, ये क्या है? क्या कुन्ने कुन्नी है? ये ना खाओ, ये ना खाओ, मुँह में ना पाओ बेटा, मुँह में मत डालो, इसको बाहर निकालो। ए हार पई वदी, ए क्या पई वदी, ए का ए शाय गहना वा तेरे किते, शाय गहना वा है, शाय खंदो। माशाल्लाह आदिल खान, कहाँ जा रहे हो बेटा? 50 रुपए की शाय लोगे? पूरे 50 रुपए की? अच्छा, तो आज क्या बनाया हुआ है, क्या बना रहे हो शाम को? नमूनिया। क्या? नमूनिया। हाँ जी, नमूनिया। नमूनिया ते आलू। नमूनिया नहीं होते, नमूरिया होती है, मुंगरे जिसे कहते हैं। मुंगरे? तो आप क्यों कह रहे हो नमूनिया बना रहे हैं? नमूनिया मुंगरे उसे कहते हैं, नमूरिया कहते हैं, मुंगरे कहते हैं। अच्छा, तो मदीहा कहाँ गई है? पता नहीं है। आज घास कटाने नहीं गए थे? नहीं गए थे। और ये देखे कश्यप के काम चाह रहे। कश्यप ये गंदी है, इसे डाल दो नीचे, फेंको, गंदी है, फेंक दिया है। हाँ गंदी है, ची वाली है। अच्छा, क्या शाय लोगे? बिस्कुट मुझे दोगे? नहीं। कश्यप को दोगे? हाँ जी। हाँ, कश्यप को देना है। मैं ले आया हूँ, कश्यप खाएगी नहीं, अभी शाय ले आया हूँ, कश्यप नहीं खाया, कश्यप ने नहीं खाएगी। आप ले आओ, आप खाओ, ठीक है? माशाल्लाह जी, मनाहल बेटा आ गया है। मनाहल बेटा, नानी के घर से होके आ गई हो? कहना, पहले तो 2-3 दिन वहाँ रही हो, नहीं गई थी वहाँ नानी के घर? हाँ। अच्छा, क्या कहा दावे नानी के घर? अभी कह रही हो नहीं गई, आप कह दियो पप्पा खाया है। अच्छा, आपका अबू आपके लिए चाय ले आया है? नहीं ले आया। अच्छा अच्छा, ना तो सुनाओ। माशाल्लाह, लस्सी पीता है मैं, लस्सी। हाँ। ये आँखों पे क्या लगाया हुआ है, ये लाल सा? आई शेड। हाँ। शादी पे जा रही हो क्या? ये जब शादी पे जाए ना, बाद में लगाते हैं, शादी पे जाना हो तो। शादी ते पप्पा खावर। शादी ते पप्पा खावर, किसकी शादी है? परे शादी है। परे शादी है? हाँ। अच्छा, आप और मैं इकट्ठे चलें? हम दोनों चलें एक साथ? अच्छा चलते हैं। माशाल्लाह मदिया बेटा आ गया। मदिया हाथ में क्या है, शापर में क्या रखा हुआ है? चीनी है। अच्छा, कहाँ गई थी? खेलने। खेलने गई थी? किसके साथ गई थी खेलने? मरियम। मरियम के साथ? हाँ जी। अच्छा, आज फिर जो है ना, दो गुत्ती गुंधिया हुआ है। हाँ जी। आज 2 गुत्ती लगाई हुई है?
नहीं ये देखो एक ये है एक ये है, दो गुत्तियाँ लगाई हुई हैं। हाँ जी। अच्छा मरियम के साथ आपकी फूई हो गई थी, फिर खेलती हो? हाँ जी। फिर दो फिर दोस्ती लग गई है? हाँ जी। अच्छा शाय लेने नहीं गई है? आदिल जा रहा था 50 रुपये लेके शाय लेने, आपकी अम्मी से पैसे लिया है 50 रुपया आदिल ने, वो लेने जा रहा था, आप आपको नहीं दिए? खा लिया है। आपने खा लिया है? क्या शाय खा लिया? एक बर्फी, एक बिस्कुट। बर्फी और बिस्कुट? हाँ। अच्छा ना सुनाओ मुझे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने बहन भाई को सलाम कर दो, हर बार ना भूल जाती हो, लेट सलाम करती हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन तो मेरे भिरावो, क्या हाल है? तू सब ठीक हो? मैं ठीक हूं। तारे दुआओं के नाम से बकरी लोग ठीक है। मेरा स्टेटस डाल दो, लोग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छी अच्छी कमेंट्स करो, जैसे तो मेरी वीडियो पहुँच सके। हाँ जी, जहाँ तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। हाँ जी। तो आज घास काटने नहीं गई? नहीं, मैं वही का नहा था खोरी वगैरह। अच्छा बोला वो सिस्टर तेरी उनको आके मैं कुछ लो जुआर करो मग गया काका थी ने मेरा। अच्छा बोला हुआ क्या आज चार डू गए हम मग गया पला जा वाला इन्हें कुछ गेंद गया हूँ चबाए बस थक पाया बोला उसका सास पे था तेरी सोम थी यहाँ बोला हम घा काटने वैसा गई क्या नहीं आली। सही है या। हाँ तबीयत का सुनाओ। तबीयत तबीयत हूँ तो बेहतर है ते जरा था ये टूट दिया था साह मुकवे दे। कमजोरी है? कमजोरी हो आ मैं भी नजर दे कमजोरी है। अब्बू की तबीयत कैसी है? अब्बू तेरी तबीयत तो आधे में कोई बुखार शुखार का नहीं ठीक है वही मेरे को लगता है मैं कमजोरी बुलाते ही है सुस्ती से याद बोला मैं क्या धाँचा को तबीयत सही थी ऐसा बोला धाते वाले तो मैं अहिया धोपते सुता रहा। अच्छा मैं क्या धोपते की ऊपर छा जो मैं पाला लग गया मैं धोपते सुता रहा मैं क्या बोला बुखार चढ़ पे तू उठी थे वो कपड़ा दे तो वो अंदरू थी भाई धोपते ना सो वहाँ झलता वो अंदरू बैठे थे आली। अच्छा वो जो हमारे कजन गए थे किन्नू के बाग में हाँ। वो वापस आ गए हैं तो किन्नू तो नहीं देखे गए? दे गए हैं आपको? वो दे गए हैं वो मैं धीरे रखे चा अंदरू में। अच्छा वो बाहर चार अंदर रह गए अंदर रह गए। अच्छा अगेरे जब पियो था तो मैं तो एक चख देखा मैं खा बोला एक देखा दो हूँ खा दे एक दो पाए हम। अच्छा कितने कितने किन्नू आए हैं पता का नहीं मैं आई कितने देख गए थे मैं कह ना हम मेरे पीछे देख। अच्छा ऐसे रात के चले गए? हाँ। अच्छा ठीक हो गया तो आप घास काटने जाओगी? हाँ जी ठीक हो गया। एक दो हाँ वो वही तेरी सिस्टर दे वाला माँ को आके तू अपने एक दुआ के दुआ है वो चाह में था चाह वाले दू वाला काल सिस्टर फिर अपना हिस्सा ले गई है किन्नू का पता नहीं मैं पूछा ही कहीं चाह की जगह ना वाला एक दो और मद्दो अगर मग दी थी एक मदिया चाहिए थी मैं चाह देना हूँ चाह के दे और एक दो मैं हाँ उसको भी दे दो आई हुई है ठीक हो गया। हाँ जी सब्जी लेने नहीं गया फरुख भाई अभी? नहीं है जगह नहीं गया। अच्छा रात तो दाल बनाई थी? रात दाल बनाई है भोल गए चेताई हो जाए जरी एक चार एम चार एक जरी आंज लाती एक जरी आंज लाती अलग अलग रखी हुई थी ना एक जरी बच जाती पहले दी। अच्छा मतलब बी उनको अच्छा थोली की जाएगी थोली हो जाती उस वक्त से पास थी। हाँ जी ओ एक छत्ती है मो भी चेता गए जब वाल्डो कुनी है धीरे में ये मो दिला थी ओ रात खाजे समय ले उठिया लाओ भी जरी वाला चाहिए तो यार अब हो गया है सब्जी का टाइम मैं जा रहा हूँ शॉप पे सब्जी लेने के लिए वापस आके आप साहब बहन मैं को बताऊंगा कि आज जो है ना मैं कौन सी सब्जी ले आया हूँ। आप साहब बहन मैं ने हमारे साथ साथ रहना है आगे का लोग भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है वीडियो को फुल वॉच करना है वीडियो को स्किप बिल्कुल। तो यार मैं सब्जी ले कर आ गया हूँ आज जो है मैं ले आया हूँ गोभी ये देखें और चीनी भी ख़त्म हो गई थी कश्यप के दूध के लिए तो चीनी भी साथ में ले कर आया हूँ तो आज जो है ना हम गोभी की रेसिपी बनाएंगे। काफ़ी दिन हो गए हमने ना गोभी नहीं खाई तो आज बहुत दिल कर रहा था गोभी खाने के लिए तो बेगम साहब ने कहा है कि आज ना जैसे भी हो जाए गोभी लेके आ शॉप पे तो वहाँ से जो है ना गोभी लेके आ गया हूँ आज जो माशाल्लाह आज जो है ना गोभी बनाएंगे। माशाल्लाह जी बड़े अरसे के बाद जो है ना मरियम आई हुई है मदीहा के घर
और उसके जो है ना ये मोहसिन भाई के ये देखें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी साथ हैं। आपके क्या लगते हैं ये मरियम? ये मेरे क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? भतीजे। आपको पता नहीं है? जी। आपके भतीजे हैं? याद आता है फिर भूल जाता है। भूल जाता है? आपका जहन नहीं है, अक्ल नहीं है आपका, जल्दी भूल जाती हो? हाँ। दो दिन पे भूल जाती हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा अक्ल है? जी। अच्छा, अच्छी बात है। और आप मदीहा के घर खेलने आए हो? जी। मदीहा, आप खेलोगी इनके साथ, मरियम के साथ? हाँ जी। ना खेलो इसके साथ, जब आप इनके घर जाते हो ना मरियम के साथ, कहती नहीं हो कि ये मुझे मारती है मरियम? नहीं, हम कूड़ मारते। कूड़ मारते थे? अच्छा, मरियम के घर नहीं जाती थी तो मुझे कूड़ मारती थी कि मरियम जो है मारती है हमें। अच्छा, फिर तो आप झूठी हो। अच्छा, स्कूल गई थी आज? आप भी गए थे? इसकी वर्दी कुछ नहीं है, इसकी वर्दी ये कहती है मैंने जो है ना स्कूल नहीं पढ़ना, मैं जानवर को जो है ना घास काटूंगी और घर के जो है ना बर्तन और वो जानवर का जो होता है ना गोबर वगैरह वो उठाऊंगी, घर की सफाई करूंगी और जानवर का घास काटूंगी, ये काम करूंगी, मैंने पढ़ाई नहीं करनी है। हम पढ़ाई करूंगी। हाँ दीदी, मरियम को पता है अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझको पता है। तो फिर क्यों नहीं पढ़ती? आपकी बीबी गई थी आपको ले के नहीं जाती? नहीं। कहो ना फिर अपनी अम्मी को कहो ना। अदा, वो मेरे साथ चले पर साथ से पढ़ती। हाँ, इसके साथ चली जाया करो ना मरियम के साथ। मरियम तो उसके एक स्कूल में पढ़ते हैं ना? हाँ जी, मरियम का स्कूल डाल है। तो फिर मरियम के साथ चली जाया करो, सुबह मरियम के साथ चली जाना, ठीक है? वर्दी है आपकी? वर्दी के बगैर वालों को आने देते हैं? जिसकी वर्दी ना हो उसको आने देते हैं? जो जिसकी वर्दी ना हो उसको आने देते हैं, जिसके वर्दी हो उसको आने देते हैं, जिसके जिसके कपड़े गंदे हैं उसको नहीं। चला जी, ये है मेरा कजन जहद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? तबीयत सिया ठीक है? जी हाँ। अच्छा, कहाँ? भावलपुर गए थे किन्नू के बाग पे ना? जी हाँ। कितने महीने लगाए हैं? एक महीना पूरा। जी हाँ। देर से गए थे क्या? लेबरें तो पहले जाती हैं। जी हाँ, मैं मुल्तान था पहले। अच्छा, मुल्तान से फिर भावलपुर चले गए थे? जी हाँ। कितनी तनख्वाह देते थे महीने की? 16,500। अच्छा, 16,500 खाना पीना उसका? जी हाँ। अच्छा, और आपका भाई भी गया था बड़ा आपसे काशिफ, वो भी आ गया है? जी हाँ। सारे जो गए थे पूरी लेबर आ गई है? जी हाँ। अच्छा, धुरकाया ने क्यों? अच्छा, क्या कह रहा है? नहीं, वो सेठ का रोला हो गया था चौधरी से। अच्छा अच्छा, इसलिए इसलिए यानी कि आपको जो है ना चोरी भगाना भगाया है उसने, घर भेजा है सेठ ने हमें, वहाँ से चोरी भेज दिया हमें। अच्छा, और कपड़े वगैरह लेके आए हो या बिस्तर वगैरह वहीं हैं? वहीं हैं, सारा कुछ वहीं। सईद खान, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आप क्रिकेट खेलने आए हो? हाँ जी। अच्छा, क्रिकेट खेल रही है? खेल रही है क्रिकेट या खेल रहे हो? खेल रहा हूँ। अच्छा, स्कूल गए थे? हाँ जी। अच्छा, ठीक हो गया। नात तो सुनाओ मुझे। सुनाओ, हंस क्यों रहे हो? रोज सुनाते हो, आज शर्मा रहे हो? साद खान इतना बड़ा ट्रैक्टर लेके आया और नाल में ट्राली भी है, ये कहाँ से मंगवाया है? दुबई से? दुबई से मंगवाया है? हाँ, शहर से। अच्छा, ये कितने की ली है? लाख रुपए। पता नहीं। कौन लेके आया है? भैया। आपका भैया ले आया है? ये ट्रैक्टर पे बैठ जाते हो या ऐसे चलाते हो? आप बैठ के चलाओ ना इसके ऊपर। ये मेरा कजन आ गया, भावलपुर गया था किन्नू के बाग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत सिया ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ। ठीक। सुनाओ, कितने महीने लगा के आए हो? मैं 2 महीने लगा के आया हूँ। अच्छा, और
वहाँ से फिर अपनी जान बचा के आए हैं। क्यों? बेहतर है कपड़े सब कुछ। वो जो बाग मालिक था ना वो बहुत ही गंदा आदमी था, उसने कपड़े भी छीन लिए, बिस्तरे भी छीन लिए। अच्छा। सब कुछ छीन लिया, एक रुपया भी मतलब नहीं बचा। ऐसे ही मतलब जान बचा के आए हैं, बस जान बच गई है तो आगे पैसे भी कमा लेंगे। नहीं क्या वजह बनी? पहले तो लेबरें जाती रही हैं, क्या तारीफ करते कि वो जो आदमी है ना वो सेठ है, वो बहुत अच्छा आदमी है, जितने भी हिसाब बनता है दे देते हैं। फिर इस बार घाटा आ गया क्या? नहीं, वो जो सेठ था वो और था। अच्छा। वो मतलब ठीक है, जो जिसका बाग था वो वाला था ना, वो बहुत गंदा आदमी था। जिस कारण के बाग लिया हुआ था आपके सेठ ने, वो ठीक नहीं था। वो ठीक नहीं था चौधरी। हाँ, वो जो चौधरी था ना वो बिल्कुल ही गंदा आदमी था। उसने बिस्तरे हमारे भी छीन लिए, कपड़े भी छीन लिए, मतलब हम जो काम वाले कपड़े थे ना वो पहन के भाग गए थे वहाँ पर। अच्छा, आपको जानकर चोरी निकलना पड़ा। वो रात को 8 बजे जो है ना हम वो ताला लगा देते थे गेट पर। उसके साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, वो जस्ट हमारा जो वो था वो दूसरा सेठ था जिसके पास हम गए थे, उसने बाग लिया था 1 करोड़ का। तो वो फिर डेली ना 20 लाख 40 लाख ऐसे बढ़ाता रहता था, स्टाम पे ना बढ़ा देता था। पहले 1 करोड़ का बाग लिया था, फिर उसने 1 करोड़ 20 लाख मांगे, फिर 40, फिर 60। बेईमान था। हाँ, वो बेईमान हो गया। फिर से हमारा जो मालिक था उसने कहा कि वहाँ से किसी तरह भाग जाओ, फिर हम वहाँ से भाग के आए। तो फिर उसने हिसाब वगैरह नहीं दिया या? अभी तक तो नहीं दिया, कहता है कि दूंगा लेकिन अभी तक मिला तो नहीं है। तो फिर बिस्तरों का क्या कहा? वो बिस्तरे वहीं खत्म, बिस्तरे भी खत्म, कपड़े भी खत्म, सब कुछ खत्म। अच्छा, पैसे कहता है दूंगा, पैसे दूंगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया फिर, पैसे का कोई पता नहीं क्या होता। हमारे 2 महीने की तनख्वाह नहीं बनती जितने के हमने कपड़े छोड़ के हैं, बिस्तर छोड़ के आए हैं, उससे ज्यादा। गरीब बंदे हैं जिसकी मजबूरी की तरफ जाते हैं ना, मजबूरी होती है तो जाते हैं, होती है जाते हैं। लेकिन सर्दियाँ थी, बिस्तर हमारी तो 5,000 के मैं इसी साल ही मैंने बनवाई थी, मतलब इसी सर्दी में बनवाई थी 5,000 के। राई। हाँ, तो वो भी मेरी वहाँ रह गई, कीमती सामान भी था मेरे बैग में जी। तो एक बार ये देखें, ये मेरे कज़न ने जो कोई कहा है, ये है हालात हमारे पाकिस्तान के। ये गरीब गए हैं कमाने के लिए, तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, यानी कि इनके जो पहनने के कपड़े थे वो भी वहाँ रह गए हैं, और बिस्तरे भी, तनख्वाह 2-2.5 महीने लगाए हुए थे वो भी वहाँ, पैसे भी चले गए हैं। तो 2-2.5 महीने के बाद सब कुछ छोड़ के ये चोरी इनको ना बेचारे को आना पड़ा घर में। तो क्या करें, गरीब बंदे मजबूरी होती है, आखिर हर कोई जाता है, जाएं कमाएं, निकल के बच्चे हैं हर बंदे के अपने, तो जाके ना वो यही रोज़ी की तरफ जाता है रोज़ी ढूंढने के लिए। तो वो आगे जो मालिक होते हैं उनका रवैया ये है, जो आपको भाई ने बताया है कि ये रवैया उन्होंने हमारे साथ किया है। और आप साहब बहन भाई ने दुआ करनी है ताकि ना ये जो है ना परेशानी ख़त्म हो, और इनके पैसे भी आ जाएँ जितने महीने लगाए हुए हैं, और इनके कपड़े बिस्तरे जो वहाँ जो सामान छोड़ के आए वो इनका पहुँच जाए, कुछ वो मिल जाए, और अल्लाह पाक ऐसे लोगों को भी हिदायत है जो ऐसा बर्ताव करते हैं मजदूरों के। जी, तो एक बार यहाँ पर हमारा व्लॉग भी हो चुका है मुकम्मल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।